नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। फिरोजाबाद थाना दक्षिण पुलिस को मिली सफलता। तीन लुटेरे संदीप अप्पे उर्फ शिव शंकर नीरज ग्राम लालऊ थाना दक्षिण को प्रयुक्त गाड़ी अर्टिगा लूटा हुआ मोबाइल फोन और 1220 रुपए और दो तमंचे 315 बोर और एक तमंचा 12 बोर और 5 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाने में सफल रहा। थाना प्रभारी सुनील कुमार को सूचना मिली। राहजनी लूट करने वाले गिरोह के सदस्य घटना को अंजाम देने के लिए लालाऊ से बिहारीपुर जाने वाले रूट पर खड़े हैं। ऐसे सूचना पर थाना प्रभारी अपनी मई टीम के साथ उस स्थान पर पहुंच गए जहां पुलिस मुठभेड़ के बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए तीन अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए। पूछताछ पर बताया कि हमने सनी जैन हाल निवासी गली नंबर 9 महावीर नगर थाना दक्षिण फिरोजाबाद को लालाऊ में ऑटो को ओवरटेक करके रोक लिया है और हथियारों के बल पर मोबाइल फोन 1470 रुपए छीन लिए थे। संदीप मिश्रा लूट करने का मास्टरमाइंड है। इनमें अभियुक्त नीरज बस स्टैंड या मैन चौराहे पर खड़ी सवारियों को किराए के रूप में सवारियों को गाड़ियां बिठाता है और आगे चलकर अपने साथियों के साथ मिलकर तमंचे के बल पर और लिंक रोडों पर आने जाने वाले वाहनों के साथ ओवरटेक करके हथियारों से के बल पर लूटते हैं। साथी नीरज भारद्वाज भागने में सफल रहा है, इसकी जल्द से गिरफ्तारी की जाएगी। इन बदमाशों का पुराना आपराधिक इतिहास है। 2015-16-17 में इनके द्वारा इसी प्रकार के अपराध कार्य किए गए हैं और अभी भी लगातार ये वारदात कार्य कर रहे थे। पुलिस के द्वारा ये शानदार सफलता हासिल की गई है जिसमें SSP महोदय के द्वारा दस्तावेज के नाम की सर ये इन चारों के अलावा भी इस गिरोह में कुछ शामिल है। देखिए, मैं आपकी जानकारी लेना चाहूँगा, इस तरीके की वारदातें इस हाईवे पर लगातार होती रहती हैं और हम लोगों का पीछे प्रयास रहा है कि इस प्रकार की वारदातों पर अंकुश लगे, इसलिए पिकेटिंग भी लगाई जा रही है और रैंडम गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं। उसका परिणाम निकला है कि ये उसी दौरान में जो ये सूचना मिली थी ये आरटी के गाड़ी घेर करके पकड़ी गई और बदमाश हो गए। संस्कार पब्लिक स्कूल शिहापुरा में ग्रीष्मकालीन खेल के साथ साथ 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पतंजलि योगपीठ योग शिक्षक ब्रज बिहारी साहू के द्वारा प्रातः सुबह 6 बजे से 7 बजे तक निःशुल्क छात्र छात्राओं को योग अभ्यास करा रहे हैं। स्वस्थ और निरोग रहने के गुण योग के माध्यम से रोगों को दूर करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास कराया जा रहा है। योग संबंधी अन्य जानकारियाँ विस्तृत रूप से बताकर छात्र छात्राओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। डिंडोरी जिले के अमरपुर वन मंडल परिक्षेत्र अंतर्गत महारी वन परिक्षेत्र के लापरवाह कर्मचारियों के चलते जंगल वीरान और उजड़ते जा रहे हैं। दिनों दिन जंगल वीरान हो रहे हैं। जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके हाथों पर है वही जिम्मेदार बेलगाम होकर शराब के नशे में चूर होकर यहां वहां घूमते रहते हैं और हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी दिन दहाड़े चल रही है। पेड़ों का खुलेआम कत्लेआम किया जा रहा है। जवाबदार वन विभाग के कर्मचारी मौज उड़ाने में व्यस्त हैं। आपको बता दें कि वन परिक्षेत्र मोहारी में पदस्थ जवाबदार कर्मचारियों की लापरवाही के कारण रात में जंगलों में आग लग जाती है और दिन में जंगल में अंधाधुंध अवैध कटाई का काम जारी है। वन परिक्षेत्र अमरपुर के जवाबदार अधिकारियों के जनहित में अपेक्षा है कि तत्काल लापरवाह कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कर वनों की सुरक्षा में अपनी जवाबदारी सुनिश्चित करें। फाइनेंस कंपनी की चपेट में आई महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया। बिना लाइसेंस चला रहे कंपनी नहीं हो रही जांच। फाइनेंस कंपनी की चपेट में महाराजपुर की रोशनी स्वरूप आ चुके हैं। कंपनी उन्हें लगातार पैसे के लिए परेशान कर रही है। आरोप है कि SBCL और सोनाटा वो बंधन कंपनी के प्रकाश चौधरी, जुलानी खान, शरद दीपक के साथ चंद्ररेखा पटेल और इसका पति सुदीप पटेल गाली गलौज कर रहे हैं। पैसा जमा न करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने बताया कि उसने लोन लिया है जिसका काफी नुकसान किया जा चुका है, कुछ राशि से जिसको लेकर लगातार परेशान किया जा रहा है जिसकी शिकायत थाने में की गई है। वहीं परेशान होकर पीड़िता ने नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया है जिसके चलते उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों की अथक मेहनत के बाद इनकी जान बचा ली गई है। MNO जिले में फाइनेंस कंपनी की बाढ़ आई हुई है। समूह बनाकर लाखों का ऋण दिया जा रहा है और गरीब लोगों से मनमाना ब्याज वसूल किया जा रहा है क्योंकि महिलाएं इनके झांसे में जल्दी आ जाती हैं और लोन लेने को तैयार हो जाती हैं। फिरन कंपनी द्वारा सप्ताह में ऋणमूल किया जाता है या गौरव धंधा कई दिनों से चल रहा है। प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। द्वारा हरिजन में रिपोर्ट कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। मेरे
मेरे को कुछ लोग इतना परेशान करते, समूह वाले तो करते ही करते मोहल्ले के लोग भी परेशान करने लगे, कहीं से भी किस्त दो, कुछ भी करो, नहीं दे पा रहे तो धंधा करके पैसे दो। अभी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके बाद भी सर लोग बैठे रहते 9-9, 10-10 बजे रात तक घर पे और कहते हैं कहीं से भी लाओ, नहीं हो पा रहा तो अपना शरीर बेचो, ऐसा कहते हैं। हाँ, आप ऐसी क्या घटना हुई कि आपको अस्पताल आना पड़ा? मेरे को इतना परेशान करे सर लोग, बोलते बोलते फांसी लग जाओ, ये लग जाओ, और कुछ जेंट्स भी है और लेडीज भी है, कहती है कि नहीं चुका सकते तो फांसी लग जाओ, मर जाओ तो हमारी किस्त माफ हो जाए। कौन कौन है ये? राज मिश्रा है, तरुणा है, शोभा है, पिंकी, वो क्या बोलते, राधा है, इन लोग कहती है कि कहीं से भी लो। सुदीप पटेल कहता है स्टाम्प में साइन करो या फिर अपना मकान बेचो, मकान मेरा नहीं है, मम्मी पापा का है, नहीं तो हमको को एक ब्लैंक चेक दो जिसमें हम लोन उठा के। आपने कहाँ से कर्ज लिया था? मैंने समूह से, प्राइवेट समूह है वहाँ से ली थी, ग्राम शक्ति है, सोनाटा है, बंधन है, SVCL है, ग्राम शक्ति, यहाँ से आपने कर्ज लिया। हाँ। कितना परसेंट ब्याज है इनका? इनका 26% है सालाना है, 26% या फिर सालाना है, दुगना तिगना ब्याज, जिसमें ग्राम शक्ति का ब्याज ज़्यादा ही है। अब वो पटाते पटाते 10 सालों से पटाते वो नहीं, और फिर से लालच दे देते कि इतना का लोन मिल रहा है, उतना का लोन। अभी बीच में मेरी दुकान में चोरी होने के कारण मेरे को इतना मजबूर होना पड़ रहा है, अभी आर्थिक स्थिति कहीं से भी अच्छी नहीं है। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो परेशान हैं? ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं कि परेशान हैं। अभी जो सुनने में आया था कि टिकरवारा में कोई महिला ने सुसाइड कर ली है, पर उनका पेट दर्द के नाम से उसका केस दबा दिया, जबकि वो समूह वाले की वजह से फांसी लगी है, और ये चीज़ को हमारे यहाँ सर ही आके बताए थे, और वो सर ये भी बोले हैं कि वो लग गई है फांसी, अब तुम लग जाओ तो हमारा ये ऋण माफ़ हो जाएगी। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के ग्राम हर्रा चकुर रामनगर में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला हॉस्पिटल लाया गया है, जहाँ घायलों का इलाज जारी है। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।